अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैमिली, होप सो आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो आप सब दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट हो रही है। बहुत दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन को बिल्कुल भी घर से बाहर निकला नहीं जाता, ना तो किचन में जाया जाता है कि कोई रेसिपी बना के शेयर करूँ। तो अभी यहाँ पर लंच का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने मैगी और साथ में हम फुलके बनाएंगे। क्या क्या बन रहा है आज? इधर भी उधर भी, उधर क्या बनेगा? इधर चने। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से किचन में जाना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, और फिर गैस चलाना या हीटर चला के कुछ भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होती है पर करना पड़ता है, क्योंकि खाना पड़ता है, खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर मैगी के लिए मसाला तैयार हो गया है और अब हमारी मैगी जो है बनकर तैयार है, और चने भी मैंने बना लिए हैं क्योंकि कंटिन्यू वीडियो शूट करना है, ऐसी वीडियो लंबी हो जाती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता। चने बहुत ही अच्छे बने हैं और मैगी भी अच्छी बनी है। यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है और सैलड काटने के लिए थोड़ी सी हेल्प हो रही है। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एक और शेयर ज़ोर से किया करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहले से मेरी फैमिली के मेंबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारा लंच वगैरह हो गया है, तो सो के उठ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो उसके बाद हम करेंगे डिनर की तैयारी, क्योंकि जल्दी जल्दी बंदा कर ले तो अच्छा होता है। अभी लाइट थी तो मैंने सोचा पहले चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। वैसे गर्मियों में तो बहुत कम लोग चाय पीते हैं, पर अगर दिन को सो फिर उसके बाद उठो तो उसके बाद चाय को पिए बिना कुछ भी काम करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही होती है, तो फिर चाय पीना ज़रूरी होता है। मैं तो पीती हूँ, बाकी आप लोगों का पता नहीं, सबको तो पसंद भी नहीं होती चाय पीना। तो यहाँ पे मैंने पत्ती वगैरह डाल दी है और साथ में जब तक हमारी चाय बनती मैंने यहाँ पे करेले रखे हैं, क्योंकि आज हमें रात को करेले की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने करेले काट के रख दिया, तब तक हमारी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद जो करेले मैंने काट के रखे हैं उन्हें साफ़ करके उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पे चाय चेक कर लेती हूँ कि कैसी बनी है। मैं चाय में मीठा नहीं डालती क्योंकि यहाँ पे मीठा बहुत कम पीते हैं और मैं ख़ुद भी नहीं पीती नमकीन चाय मैंने बनाई है। यहाँ पे मैंने करेले पहले से साफ़ करके रख दिए हैं और यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे हम ऑयल को मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे इन जो करेले हैं इनको थोड़ा फ्राई करना है, क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, और कड़वाहट को कम करने के लिए वैसे तो हम अगर इन पे थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें धूप में रखेंगे तब भी हो जाए, उतना टाइम नहीं था, क्योंकि अगर हम धूप में रखेंगे नमक डाल के तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने से कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, पता भी नहीं चलता कि करेले की सब्ज़ी है, कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा थोड़ा चलो फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल के इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें सारे करेले ऐड कर दिए हैं जब तक ये फ्राई होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि अभी मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे फ़ैन और एग्जिस्ट फैन दोनों लगे हुए हैं अभी, और उनके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी अभी इनकी एंट्री हुई है किचन में, प्यास लगी है तभी। बहुत गर्मी है भाई, आजकल किचन में नहीं आते, बहुत गर्मी है, आंखें लाल हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, हैरित से है, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आजकल तो बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है, बेबी अभी नीचे किचन में है, चलो पानी पीते हैं। लाइट भी नहीं इतनी रहती आई कल, तो पानी तो ठंडा मिले कहीं। लाइट आई थी? लाइट आई थी? लाइट है ना अभी। क्या हुआ आपको? गर्मी लग रही है और क्या हुआ है? हंसी पड़ी आती है। वाह 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 वाह, किचन में जो इस टाइम आ रहा है उसी को पता होता है। चलो जी, अल्लाह पाक आपकी दुआ सुने और बारिश हो जाए, और क्या, आपकी दुआ सुने, आप नहीं कर सकते। हम करते हैं इंशाल्लाह, रोज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। अच्छा, पर इधर से लाइट आ रही है। चाय पीनी है? चाय हाँ पीनी है अभी थोड़ा।
पानी पी लेना, फिर उसके बाद चाय भी पीनी है। गर्मी बहुत है जी इधर जम्मू जोन में, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और श्रीनगर ठंडा होगा। हाँ उधर ठंडी होगी थोड़ी। चाय पीनी थी ना, अभी बोल रही थी चाय पीनी है, तो मैंने चाय बना के रखी हुई है। अच्छा ये खा ले। अच्छा ठीक है, फिर यही खाओ आप। ये बस इतना ही थी। अच्छा मैंने भी चाय पिया, मैं भी खाऊंगी नहीं। जबरदस्त, वो तो जबरदस्त ही है, टेस्टी है। आम का सीजन है, खट्टा भी नहीं है। आम खट्टा होता ही नहीं है, मीठा होता है। किसने बोला आपको? मुझे पता है ना, आम खट्टा भी होता है, टेस्ट करो थोड़ा खट्टा। यहाँ पर मैंने बचे हुए करेले जो हैं वो शैलो फ्राई होने के लिए डाल दिए, और ये भी मैक्सिमम शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनसे थोड़ा उलट पुलट करके निकाल लेंगे, उसके बाद मसाला इसका बनाएंगे। कि लाइट है तो लाइट पे काम हो जाए तो अच्छा है, वैसे भी लाइट वालों का बिल तो हर महीने टाइम पे ही आ जाता है। चलो कुछ काम आ जाए तब भी अच्छी बात है। छोटे शाह आपके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज इसमें चॉकोबार लेके आना। चॉकोबार लेके आना, ठीक है? चॉकोबार अभी बंद होगी, लेके आना, अल्लाह करे बंद होगी। लेके आना, ठीक है? अल्लाह करे बंद होगी, अभी खुली हुई हो क्या शॉप? वो खुली होगी, मुझे पता है। अभी बड़ा टाइम है, कितने बुरे हो, 10-20 रुपए की बात है तो बदल दो। अभी अमरीन प्लम तोड़ के लाई है और अभी मैं इसे टेस्ट करती हूँ। वैसे अच्छे से अभी पके नहीं है तो ये पूरे रेड रेड हो जाते होते हैं बीच में से भी और बाहर से भी, पर अभी अच्छे से पके नहीं है। ये असली प्लम नहीं है, आलू बुखारे। अभी आजू आ गए हैं वापस और मेरे और अमरीन के लिए जो है चॉकोबार लेके आए। अमीन के साथ थे ये और अमी दोनों साथ में गए हुए थे और हम दोनों घर पे थे इसलिए हमारे लिए लेके आए। अब ये खोल के दे रहे हैं हमें, पर ये चॉकोबार नहीं, ये तो कोकोबार थी, पर ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो अभी हम इसे इंजॉय करेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।